नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं thepanchayat.com। भारत देश जहां नारी को सशक्त करने के लिए कई सारी योजनाएं चला रहा है, वहीं महाराष्ट्र के बीड जिले में नारियों के साथ अमानवीय काम किए जा रहे हैं, जिसको सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर महिलाएं भी इस काम को करवाने के लिए अपनी हामी कैसे भर दी, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के जरिए, इन बातों का जवाब तलाशते हैं। बात तो काफी पुरानी है, लेकिन जब भी जुबां पर आती है तो दिल पसीज जाता है। बात ही कुछ ऐसी है। महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में महिलाओं के गर्भाशय का ऑपरेशन वहां के प्राइवेट डॉक्टरों द्वारा धड़ल से कर रहे थे। उस ऑपरेशन के अंदर महिलाओं का गर्भाशय उनके शरीर से हमेशा हमेशा के लिए अलग किया जा रहा था। वो ही गर्भाशय जिसके अंदर एक बच्चा अपना 9 महीने का अद्भुत पल गुजारता है। बीड जिले के अंदर ज़्यादातर बंजारा और अनुसूचित समुदाय के लोग रहते हैं, जिनके लिए रोजगार का एकमात्र साधन मजदूरी है, और ये क्षेत्र गन्ने के उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान देता है। वहाँ के मराठा समुदाय के बहुत सारे गन्ने के खेत हैं। गन्ने की कटाई के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती है। यहाँ के ठेकेदार दिहाड़ी पर मजदूरों को काम पर रखते हैं। बंजारा समुदाय के लोगों के पास यही एकमात्र रोजगार है। जब महिलाओं को माहवारी आती है तब उनसे कटाई वाला काम नहीं होता था, उन्हें मजबूरन काम की छुट्टी करनी पड़ती थी, जिसके एवज में उनकी दिहाड़ी कट जाती थी। जहाँ उनके खाने का बंदोबस्त केवल दिहाड़ी पर टिका होता था, वहाँ दिहाड़ी कट जाने से रोटी के लाले पड़ जाते थे। आखिर क्या कारण था जिसके कारण गर्भाशय का ऑपरेशन करवाना पड़ा? जब कोई छुट्टी कर देता था तो ठेकेदारों का गन्ने कटाई का टारगेट पूरा नहीं हो पाता था। तब सारे ठेकेदारों ने वहां के प्राइवेट डॉक्टरों को साथ मिलकर एक प्लानिंग की। महिलाओं को बताया गया कि बच्चे पैदा करने के बाद गर्भाशय का कोई काम नहीं होता, और गर्भाशय की वजह से माहवारी होती है। माहवारी नहीं हो उसके लिए तुम सब गर्भाशय का ऑपरेशन करवा लो। माहवारी से हमेशा हमेशा छुटकारा पाने के लिए सारी महिलाएं ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ऑपरेशन का पैसा कहाँ से लाए, सवाल उनके दिमाग में खटकता रहता है। तभी ठेकेदार भगवान की तरह सामने आकर कहते हैं, ऑपरेशन का पैसा ठेकेदार लोग दे देंगे, लेकिन एक शर्त पर। और शर्त यह है कि जिनको लोन के तहत पैसे मिलेंगे वो लोन चुकता होने तक उनके खेतों में काम करेंगे। उनको केवल ऑपरेशन के पैसे चाहिए थे, वो उनके ठेकेदार लोग लोन के रूप में दे रहे थे। काम तो वैसे भी कर रहे थे, आगे भी कर लेंगे, ये सोचकर सारी महिलाएं ऑपरेशन करवा देती हैं। 3 सालों में तकरीबन 4605 के आसपास महिलाएं गर्भाशय का ऑपरेशन करवा चुकी हैं। गर्भाशय का काम केवल बच्चा पैदा करना होता है, ये बताकर उनका ऑपरेशन करवा दिया गया। उनको अब कौन बताया कि गर्भाशय का अपने शरीर से अलग करवा कर वो अब गंभीर बीमारियों से जूझ सकती है। उन्हें मांसपेशियों में दर्द, सीने में दर्द, अचानक से दिल धड़कना, इंसोमिनिया जैसी बीमारियां भी हो सकती है। जब ये आवाज़ उठाई गई, किसने ये आवाज़ उठाई? सबसे पहले ये आवाज़ राष्ट्रीय महिला आयोग ने अप्रैल में इस मामले के सामने आने के बाद राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया था। स्वास्थ्य मंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति गर्भाशय निकालने के मामलों की जाँच करेगी। मुख्य सचिव अगुवाई वाली समिति में 3 गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ और कुछ महिला विधायक होगी। समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। राज्य सरकार ने सभी डॉक्टरों को आदेश दिया था कि वे अनावश्यक रूप से गर्भाशय ना निकालें। आशा करते हैं इस रिपोर्ट के बाद ऐसे अमानवीय कार्य न हो। अगर आपको हमारे पंचायत की पंचायत पसंद आ रही है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन प्रद्युमन के साथ मैं सौरभ आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।